कृष्णा लक्ष्मी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम आपको आम पापड़ बनाना दिखाएंगे। देखिए मेरे दो ये आम हैं, अच्छे से धो के साफ कर लिया है मैंने इनको, और वेट में होंगे ये कोई 800 ग्राम के करीब, एक किलो से थोड़ा कम। देखिए इनको मैं काट के और इनका पल्प निकालूंगी, छील के, पूरा छील के इनको अभी काट के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए आम का पल मेरा छील के तैयार है। देखिए मैंने इसको फ्रिज में से निकाला था, क्योंकि सख्त रहता है तो छीलने में परेशानी नहीं होती, फटाफट छील के तैयार हो जाता। देखिए मिक्सी जार में डालूंगी आम को, मैंने चेक कर लिया आम मेरा ज़्यादा खट्टा, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं है, इस हिसाब से ये चीनी डालूंगी मैं इसमें। देखिए ज़्यादा चीनी नहीं डालूंगी और इसको अभी मैं जार में आपको करके दिखाती हूँ। देखिए गैस को चालू कर दिया मैंने और चीनी मैंने आपको डाल के दिखाई थी, और देखिए खट्टा मीठा करने के लिए मैं आधा नींबू का रस इसमें, देखिए आप आम चेक कर लें आपका आम खट्टा है मीठा, उसी हिसाब से आप चीनी डालें। देखिए आम पापड़ दो कलर का होता है, एक ऐसा होता है, एक रेडिश लिए हुआ होता है, और देखिए इसमें हल्का सा एक पिंच में खाने का रेड कलर डाल दिए, जिससे ये थोड़ा रेडिश लेके। देखिए अभी जब तैयार हो जाएगा, एक थाली में ऑयल लगा के रखूंगी मैं और आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने 5 मिनट के लिए बॉईल कराया और देखिए मेरा ये तैयार हो गया। आप अगर कलर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, बगैर कलर के भी बना सकते हैं। देखिए मैं गैस को बंद करती हूँ और देखिए थाली में हल्का ऑयल लगाएंगे, जिससे कि ये, देखिए मैं बना चुकी हूँ आम पापड़। मैं किसी कारणवश आपको नहीं दिखा पाई हूँ, आपकी वीडियो बनाने की वजह से मैं दोबारा बना रही हूँ। देखिए आम इस टाइम बहुत अधिक मात्रा में आया हुआ है और यही टाइम है आम पापड़ बनाने का। देखिए इसमें फैलाती हूँ मैं इसको, इसको पतला ही फैलाएं आप। देखिए इसको फैला के चारों तरफ इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से कर दें पूरी थाली पे ये पतला फैल के। देखिए पूरा फैल के अभी मैं आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फैला दिया मैंने, अब इसको मैं धूप में रख दूंगी। आपके घर में जितनी धूप आती है उसमें रखिए, उसके बाद आप पंखे की हवा में रखिए, 2 दिन बाद ये तैयार होगा, फिर मैं आपको काट के दिखाऊंगी। देखिए अब मैं इसको धूप में रखने जा रही हूँ। आम पापड़ तैयार हो गया। देखिए इसको हम साइड से चाकू से एकदम गहराई से, और इसको चारों तरफ चाकू ऐसे, देखिए चारों तरफ ऐसे घुमाया है चाकू को। देखिए इसको हम एक कोना उठाएंगे, देखिए पूरा उठा के, देखिए इस तरीके से बहुत आराम आराम से चारों तरफ से देखिए निकालेंगे। ये देखिए बहुत आराम से निकल रहा है, कि आम पापड़ की वीडियो मेरी। देखिए आम पापड़ मेरा निकल के बिल्कुल बहुत बढ़िया ट्रांसपेरेंट बना, देखिए उंगलियां भी दिखाई दे रही हैं इसमें से, एकदम आराम से निकला है। अब देखिए इसको मैं आपको काट के अभी दिखाती हूँ। देखिए देखिए आम पापड़ मेरा कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ। देखिए एकदम हम लोग हिल स्टेशन पे या कहीं भी घूमने जाते हैं, बच्चे जिद करते हैं आम पापड़ के लिए, हम लोगों का भी मन करता है। तो देखिए इस टाइम आम का भरपूर मौसम है, आप भी इसी तरीके से बनाइए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। देखिए बहुत ही बढ़िया बन के धूप में रखा है, धूप के बाद फिर ये धूप चली जाती है तो आप पंखे की हवा में रख दीजिए अंदर, और फिर अगले दिन धूप में, और आपका आम पापड़ तैयार हो जाता है। देखिए आप कृपा करके, आप मेरा चैनल देखते हैं और देखने के बाद भूल जाते हैं, लाइक कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। देखिए कितना बढ़िया बनके, आप भी बनाइए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। बहुत बढ़िया बनके तैयार हुआ, आप भी घर में बनाइए बच्चों के लिए और आनंद लीजिए। देखिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।